नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुधवार देर रात 6 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूरों को कुचलने वाले रोडवेज बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला है कि ड्राइवर नशे में था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मृतकों को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं, समस्तीपुर और गोरा से भी मजदूरों की मौत की घटना सामने आ रही है और मौतों के साथ सवाल कई खड़े होते हैं। सरकार लगातार मजदूरों के लिए इंतजाम कर रही है, योजनाएं बना रही है, लेकिन जब एक मजदूर की मौत होती है तो सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अथर्व रस्तोगी जुड़ चुके हैं। अथर्व, जिस तरीके से लगातार मजदूरों का पलायन जारी है और ऐसे में मजदूरों की मौत की घटना भी सामने आ रही है, साफ देख सकते हैं कि सरकार जिस तरीके से इंतजाम कर रही है लेकिन इंतजाम धरे के धरे रह जा रहे हैं। देखिए आयुषी, मैं बता दूं, जब से लॉकडाउन हुआ है लगातार प्रवासी मजदूर जो है वो अपने घरों की ओर प्लान कर रहे हैं। कई जो है वो अप्रिय घटना सामने आई है। कहीं मजदूर एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, कहीं भूख के कारण मर रहे हैं, तो कहीं उनको खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा, बहुत सारी समस्या है। लेकिन अधिकतर जो इस समय लगातार जो एक्सीडेंट के मामले आ रहे हैं वो वाकई चिंता का विषय है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो मुजफ्फरनगर की घटना हुई है, ये मजदूर जो थे ये पंजाब से जो है अपने गृह क्षेत्र बिहार जा रहे थे और जो ड्राइवर था उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का, वो नशे में बताया जा रहा था और उसने बस से नियंत्रण खो दिया, इसके कारण ये घटना हो गई। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 6 मजदूर इसमें मारे गए और कई घायल हुए। और लेकिन इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मजदूर मारे गए हैं, जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है, उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा और साथ ही साथ घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की बात की गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक जो बड़ा मामला सामने आया कि जब ड्राइवर की जांच की गई तो वो नशे में पाया गया, शराब के नशे में पाया गया। ये बहुत बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से उठता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय जो स्थिति है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की, वो कुछ इस तरह है कि जो वहाँ के रेगुलर ड्राइवर हैं वो घरों पे बैठे हुए हैं और जो संविदा चालक हैं वो इस समय चला रहे हैं गाड़ियां और उनसे जरूरत से ज्यादा वर्कलोड भी लिया जा रहा है। तो मैं अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनको जरूरत से ज्यादा इस समय वर्कलोड है। और शायद मैं इस चीज को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि उसने शराब पिया, लेकिन परिवहन निगम को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर एक इंसान कितनी मेहनत करेगा, अगर मेहनत करेगा तो किसी न किसी चीज का सहारा लेगा, इसका ये कारण ये एक्सीडेंट है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस मुद्दे पर अब भयंकर राजनीति होना शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि जिस तरीके से प्रवासी नागरिकों को बुलाया जा रहा है, बाहर विदेशों में से नागरिकों को बुलाया जा रहा है और सरकार उसमें अपना पूरा ध्यान लगाए हुए, लेकिन जो प्रवासी मजदूर है इसको लेकर जो है सरकार, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए चिंतित नहीं है, चिंतित होती तो इस तरह की घटना ना होती। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या अब कोई एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया जाएगा बस के ड्राइवर के लिए? ऐसी इस समय स्थिति इस तरह बनी हुई है कि हर इंसान अपने कार्य में व्यस्त है, पुलिस भी जो है लॉकडाउन का पालन कराने में व्यस्त है और जो व्यवस्थाएं हैं प्रवासी मजदूरों की उनकी व्यवस्थाएं करने में पुलिस कर्मी जुटे हुए, तो कहीं ना कहीं छूट तो हुई है। और जिसके लिए परिवहन निगम को पहले से इंतजाम करना चाहिए था, जो भी बस जो है ड्राइवर लेके निकले उसके पहले जांच होनी चाहिए कहीं वो नशे में तो नहीं है। अगर शायद ये जांच हुई होती तो ये अप्रिय घटना ना हुई होती। मुजफ्फरनगर की एक्शन अब लेगी, मतलब ड्राइवर के खिलाफ क्या कोई सरकार अब एक्शन लेगी? देखिए ड्राइवर को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच की जा रही है, एक्शन होना तो तय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रेगुलर ड्राइवर हैं बसों के, जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के रेगुलर कर्मचारी हैं, उनसे क्यों नहीं काम किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद अथर्व इन तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से मजदूरों का लगातार पलायन जारी है, ऐसे में सवाल सरकार पे सबसे ज्यादा खड़े होते हैं कि आखिर इन मजदूरों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण पलायन कर रहे मजदूरों के साथ हादसे लगातार हो रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर और गोना से मजदूर पैदल लौट रहे थे, उसी वक्त रोडवेज बस ने उन्हें रौंद दिया। गुरुवार सुबह हुई इस घटना में करीब 16 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर पंजाब में काम करते थे और बिहार अपने घर वापस जा रहे थे। मजदूर पैदल ही अपना घर का सफर तय करके जा रहे थे, तभी एक रोडवेज ने उन्हें रौंद डाला। इस घटना में 16 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया, साथ ही घायल मजदूरों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।
आपको बता दें लॉकडाउन में मजदूर अपने गृह राज्य जाने के लिए पैदल निकल रहे हैं, हालांकि सरकार ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीनों ही हादसों में अपनी जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। अपनी मिट्टी अपने घर की तड़प में ये मजदूर लगातार पैदल चल रहे हैं और ऐसे में ऐसे हादसे सरकार के इंतजाम पर सवाल कई खड़े करते हैं। आप देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। हाय, दिस इज विद्या बालन एंड यू वाचिंग एक्सपोज इंडिया।